दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आज एक मिनी सीरीज के बारे में जिसका नाम है द मैन हु बिल्ट अमेरिका, जिसको कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा देखने के लिए। तो फिर क्या है इसमें ऐसा खास, जानने के लिए बने रहिएगा इस वीडियो में। दोस्तों, द मैन हु बिल्ट अमेरिका एक मिनी सीरीज है जो कि हिस्ट्री चैनल में कई साल पहले आई थी और मुझे ये मिनी सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों से शेयर किया जाए। और अब बात करते हैं कि ये जो टीवी सीरीज़ है द मैन हु बिल्ट अमेरिका, इसमें दिखाया क्या गया है। दरअसल ये जो टीवी सीरीज़ है, यहाँ पे दिखाई गई हैं बायोग्राफीज़ 19वीं और 20वीं शताब्दी के मशहूर सेल्फ मेड बिजनेस मैग्नेट्स और इंडस्ट्रीज की, जैसे कि हेनरी फोर्ड, एंड्रू कार्नेगी, जॉन डी रॉकफेलर, जेपी मॉर्गन और इसके अलावा वेंडरबिल्ट। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कौन से गजब के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुए हैं, कौन सी महान वैज्ञानिक खोजें हुई हैं उस दौरान, इसके अलावा कैसे इनके बिजनेस एम्पायर ने एक मॉडर्न अमेरिकन सोसाइटी की नींव रखी। और हाँ, यहाँ पे आपको अमेरिका के कई महान वैज्ञानिकों के जीवन को देखने का भी मौका मिलेगा। इसके अलावा कई सारे अमेरिका के हिस्टोरिकल इवेंट्स भी यहाँ पे आपको जानने को मिलेंगे। दो और इंटरेस्टिंग बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि ये जो टीवी सीरीज़ है, इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ही गजब का है, बहुत ही प्यारा है। खासकर कि यहाँ पे एक साउंड ट्रैक आपको सुनने को मिलेगा इस सीरीज़ के शायद आखिरी एपिसोड में मिलेगा, जिसका नाम है हार्ट ऑफ करेज। अब ये जो मैं म्यूज़िकल ट्रैक आपको बता रहा हूँ, इसको आप यूट्यूब पर सर्च करिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि आपने कहीं ना कहीं इस म्यूज़िकल ट्रैक को किसी मोटिवेशनल वीडियोस में सुना होगा। दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये जो लेसर नोन टीवी सीरीज़ है, इसके बारे में मैंने ट्वीट किया था अपने छोटे से ट्विटर अकाउंट में, और फिर वहाँ वो जो मेरी ट्वीट थी जहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो टीवी सीरीज़ है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, उस ट्वीट को लाइक किया गया एरिक रोलैंड द्वारा, जो कि मुझे बाद में पता चला कि इस टीवी सीरीज़ में जिन्होंने जेपी मॉर्गन का कैरेक्टर प्ले किया है। और मुझे ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैंने फिर सोचा कि ये जो वीडियो है वो तो बनाना पड़ेगा ही इस टीवी सीरीज़ के बारे में। और आखिर में अब मैं कोई ज़्यादा स्पॉइलर आपको दूंगा नहीं इस टीवी सीरीज़ के बारे में, ज़्यादा यहाँ बात नहीं करूँगा, बस आपसे यही कहूँगा कि ये जो टीवी सीरीज़ है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है। मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर देखें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए